युगांतकारी क्षण। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बनाना बीजेपी के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक था। सियासी जानकार कहते हैं कि ये मुद्दा ही अयोध्या में उसके काम नहीं आया। फैजाबाद सीट से दो बार सांसद रहे बीजेपी के लल्लू सिंह को मुंह की खानी पड़ी। मंदिरों का शहर अयोध्या इसी सीट का हिस्सा है। उन्हें समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया। संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने हार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जिम्मेदार ठहराया है। मैं बता रहा हूं, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो बयान दिए कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के जमाने में पड़ती थी, अब भाजपा बहुत मजबूत है, आरएसएस की जरूरत नहीं है, यह भी एक बयान कारण है कम सीट आने का। जो आरएसएस की उपेक्षा हुई, हिंदू संगठनों की उपेक्षा हुई, हिंदू संगठन जो हैं ये दिन रात प्रयास करते हैं निस्वार्थ भाव से भाजपा के लिए। आरएसएस भाजपा की रीढ़ की हड्डी है, अगर आरएसएस कट गई तो भाजपा का वजूद नहीं बचेगा। अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर चर्चा ज्यादा ही हो रही है। 2019 में 62 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को सिर्फ 33 सीट मिली है। और भाजपा की जो सीटें कम हुई है उसमें एक सबसे बड़ा जो कारण है कि भाजपा के नेता एक दूसरे को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दिए थे, इसलिए हार के कारणों की समीक्षा हो, जो भीतर घात हुआ हो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, केवल एक तरफा अयोध्या वासियों को गाली न दी जाए। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इस साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई थी। इसके बावजूद बीजेपी फैजाबाद सीट हार गई। वहीं अयोध्या के लोगों के मुताबिक बीजेपी की हार की वजह गांवों के वोटरों का गुस्सा था। राम मंदिर के आसपास किए गए विकास के कामों की वजह से वहां रह रहे लोगों को परेशानी हुई। श्रद्धालुओं के लिए गलियारे बनाने और शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लोगों के घरों और दुकानों को तोड़ा गया था। ऐसे कई लोगों का कहना है कि उन्हें सही मुआवजा तक नहीं मिला।